23 मार्च है, शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस है। कल ही के दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को फांसी पर लटका दिया गया। तीनों ने देश के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इस मौके के ऊपर दिल्ली सरकार आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रही है। आप सबको पता है कि 20 दिसंबर पिछले साल 20 दिसंबर 2021 को हमने, कैबिनेट ने निर्णय लिया था और हमने ऐलान किया था कि दिल्ली में एक स्कूल बनाएंगे, ऐसा स्कूल बनाएंगे जहां पे बच्चों को फौज में भर्ती होने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो एनडीए में, नेवी में, एयरफोर्स में भर्ती हो सकें। उसके लिए उनको तैयार किया जाएगा, एक स्पेशल किस्म का स्कूल तैयार किया जाएगा। उस स्कूल का नाम हमने तय किया है कि उस स्कूल का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। उस स्कूल का नाम होगा शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल। शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल। ये स्कूल पूरी तरह से फ्री होगा, सब कुछ फ्री होगा, रेजिडेंशियल होगा, यानी कि जितने भी बच्चे उसमें एडमिशन लेंगे वो सारे वहीं पे उनको हॉस्टल में रहना होगा। लड़कों का अलग हॉस्टल होगा, लड़कियों का अलग हॉस्टल होगा। और झरोदा कला में एक 14 एकड़ की का कैंपस बनाया जा रहा है, वहां पे ये स्कूल पूरा स्टेट ऑफ द आर्ट, एकदम मॉडर्न स्कूल, सारी सुविधाओं के साथ लैस ये स्कूल बनाया जा रहा है। जैसे आर्म्ड फोर्सेस में, फौज में ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज सिखाई जाती हैं, इसी तरह से इस स्कूल के अंदर बच्चों को ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज सिखाई जाएंगी और इन्हें एनडीए, नेवल एकेडमी और दूसरी आर्म्ड सर्विसेज के लिए इन बच्चों को तैयार किया जाएगा। यहाँ पे एक्सपर्ट फैकल्टी, खासकर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, एयरफोर्स ऑफिसर्स, नेवल ऑफिसर्स को यहाँ पे लाया जाएगा ट्रेनिंग कराने के लिए। ये स्कूल दिल्ली के रहने वाले सभी बच्चों की, दिल्ली में रहने वाला कोई भी बच्चा इस स्कूल में एडमिशन ले सकता है। इसमें 9वीं क्लास में और 11वीं क्लास में एडमिशन होगा। 9th क्लास में 100 सीट होंगी, 11वीं क्लास में 100 सीट होंगे। अभी तक इस साल से इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं तो अभी तक 18,000 एप्लीकेशन आ चुकी हैं। केवल 200 सीटों के लिए 18,000 एप्लीकेशन आ चुकी हैं। 27 मार्च को 9वीं क्लास में एडमिशन के लिए इसके टेस्ट हो रहे हैं और 28 मार्च को 11वीं क्लास में जो एडमिशन होंगे उसके लिए टेस्ट हो रहे हैं। वो फेज वन होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है और सेकेंड फेज में उनके इंटरव्यू लिए जाएंगे। तो ये दिल्ली वासियों का एक तरीका है शहीद आजम भगत सिंह को उनके शहादत दिवस पे श्रद्धांजलि देने का। इसके लिए मैं दिल्ली के सभी लोगों को बधाई देता हूँ। नमस्कार।